हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ बरसात में मिलने वाले महुआ के फल की सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो महुआ के फल इस समय गांव में तो पेड़ होते हैं महुआ के, लेकिन कई जगह नहीं भी खाई जाती। ये ज़्यादा करके झारखंड फेमस रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल। हमारे लखनऊ में मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, तो हम लोग मार्केट से ही लेके आए थे। तो बिल्कुल झटपट बनने वाली और बहुत जल्दी पकती है, तो इतनी टेस्टी सब्जी और बहुत ही यम्मी सी। अब बनाने की बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी मैं। तो मैं इसकी सूखी सब्जी बना रही हूँ, इसकी ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, तो देखने में भी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये इस तरह के महुआ के फल मार्केट में मिलते हैं, या गाँव के हों आप लोग तो पेड़ों में तो आराम से मिल जाते हैं। तो इस तरह से पहले इसको छील लेना है। तो इसके अंदर बीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक एक महुए में तीन तीन चार चार बीज होते हैं। तो ऊपर का छिलका, जैसे हम लोग परवल का छिलका निकालते हैं, उस तरह से बिल्कुल छील लेंगे। और ये काटने से कटेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बीज और हार्ड बीज होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जीरा लगा के और इसके बीज अलग कर दें, और इसके अंदर जो वाइट एक लेयर होती है पतली सी, उसको भी हटा दें। और पतले पतले उसमें हाथ से भी एकदम खुसखुसे होते हैं, तो इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं, या पतले पतले शेप में जैसे चाहे छोटे छोटे टुकड़े काट लें, या बड़े बड़े भी आप रख सकते हैं। इस तरह से मैंने छील के और ये पूरी, तो ये हमने आधा किलो हमारे महुआ के फल थे, इतनी सब्जी निकली। जितना ज़्यादा बीज निकलता है उससे बहुत कम ये सब्जी निकलती है। तो इस तरह से इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लिया। अभी चूँकि सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो प्याज एक, टमाटर चूँकि महंगा है इस समय, तो एक टमाटर, दो प्याज और लहसुन और अदरक। तो अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हो तो इसका पेस्ट बना लें। मैं सूखी बना रही हूँ तो काट के डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग, एक कढ़ाई में ऑयल लेके जीरा और हींगा से तड़का लगा, हींग से तड़का लगा दिया। अब इसके बाद प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे प्याज का कच्चापन चला जाए उतना ही भूनना है। अब उसमें अदरक लहसुन को मैंने क्रश करके रखा था, वो मिला दिया। अब ये भूनने के बाद इसमें ऊपर से अब मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो सूखी सब्जी है तो हमेशा हल्दी पहले डालें, ताकि हल्दी का कच्चापन भी चला जाए, और नमक इसलिए कि आपके प्याज और टमाटर जो डालेंगे तो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद टमाटर मिलाऊंगी, और टमाटर को बहुत ज़्यादा गलने का वेट नहीं करना है, अच्छी तरह से एक दो मिनट मिक्स करके, क्योंकि सूखी सब्जी है तो टमाटर के पानी के साथ ही पकेगी हमारी सब्जी। तो अब इसमें लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर और आधा चम्मच सब्जी मसाला, आपके पास सब्जी मसाला ना हो तो आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टमाटर का बहुत ज़्यादा गलने का नहीं वेट किया, बिल्कुल धीमी फ्लेम पे है इस समय हमारी गैस की आँच। अब इसमें सब्जी को अच्छी तरह से धो के उसको मिक्स कर लिया। चूँकि सूखी सब्जी बना रहे हैं, इसमें पानी थोड़ा सा मिलाऊंगी बाद में। तो मसाले के साथ में, जैसे हर बार बताती हूँ कि मसाले के साथ मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक के मैं 4-5 मिनट पकाऊंगी, जिससे क्या है कि मसाला अच्छी तरह से सब्जी को एक तो कोट कर लेता है और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इतने में ही हमारी कम से कम 80% सब्जी पक गई थी 5 मिनट में। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधा गिलास के करीब पानी डाली हूँ। तो ये पानी डालने के बाद, अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो जो अदरक लहसुन प्याज टमाटर जैसा उसका पेस्ट बना लें, और ग्रेवी अपने हिसाब से। अब इसको ढक के 5 से 6 मिनट और पकाया, तो ये हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई। अब अच्छी तरह से मिला के अब इसमें मैं ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करूँगी। एक बार चेक कर लें कि आपकी सब्ज़ी, वैसे पक जाती है बहुत जल्दी, लेकिन चेक भी कर लें, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये, तो ज़्यादा करके मिक्स हो जाता है। तो सूखी सब्जी जैसे आप दाल चावल बनाएं या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अब ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करके ये खाने के लिए हमारी सब्जी तैयार है। तो ये सिर्फ इसी मौसम में मिलेगी, बारिश के, जहाँ होती है तो उनको पता ही है, जहाँ नहीं खाते होंगे तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो एकदम सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी, पहले बनाइए, खाइए और टेस्ट करिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।